हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग हीट ट्रांसफर में आगे चलते हैं और पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस आज के लेक्चर से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग चैप्टर्स में आगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्शन, और कंडक्शन में हम लोग देख लिए थे कि आई बराबर जो कि था dq by dt which is equal to k a dt upon dx। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। ओके, सो आज कुछ कुछ चर्चा इसी पे होगी। ओके, हम लोग स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर कंडीशन भी जान गए थे, जब I क्या था, कांस्टेंट था। I क्या था, हर जगह पे कांस्टेंट था और आइसोथर्म्स बन रहे थे। ओके, और तब जाके हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारा एक टी एक्स कर्व भी आया था, टी और एक्स कर्व भी आया था, और वो कुछ ऐसा था। यहां पे ये टी एच, ये टी सी, आपको दोस्तों याद होगा, ये टी एच था, ये टी सी था, ये एल था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था ए, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के था। तो हमारे पास ये ग्राफ आया था स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ओके, थोड़ा सा चर्चा दोस्तों, एक बार एक पूछा जा चुका है कि अनस्टेडी स्टेट में ही ट्रांसफर जो होता है उसका टीएक्स ग्राफ कैसा होगा, तो कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा देखते हैं। ओके, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक बॉडी है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर मतलब कंडक्शन हो रहा है, और सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, सिर्फ कंडक्शन की बात ही कर रहे हैं अभी। यहां पे ये वाला क्रॉस सेक्शन टीएच पे है और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो टीसी पे है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है और इसका लेंथ क्या है, एल है। ओके, मान लीजिए कि यहां पे और यहां पे, मान लीजिए कि यहां पे ये ए पोर्शन है और ये बी है, और ये जो पोर्शन है मान लीजिए कुछ भी, ये डीएक्स है, ऐसा समझे, ये डीएक्स है। तो अगर स्टेडी स्टेट रहेगा तो यहां पे जितना आई जाएगा उतना ही आई यहां पे भी होगा, जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर ये अनस्टेडी होगा, सपोज कीजिए अगर ये अनस्टेडी है, तो यहां पे जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहां पे जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए यहां पे हो रहा है आई ए, अगर यहां पे हो रहा है हीट ट्रांसफर आई ए और यहां पे हो रहा है हीट ट्रांसफर आई बी, तो ये दोनों दोस्तों सेम नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेडी केस है ये, और ये आइसोथर्म्स नहीं होंगे, इसका टेम्परेचर हमेशा चेंज हो रहा है। तो दोस्तों देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है। बेसिकली मान लीजिए कि यहां पे ये हीट कितना होगा, तो माइनस, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है तो माइनस के, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लीजिए ए है, तो माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहां पे, ए पे, ठीक है, यहां पे ही ट्रांसफर, दैट इज दिस वन। अरे यही तो है आई ए, हम अगर ये बात करें कि आई ए माइनस आई बी वो क्या करेगा, यहां पे जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और जितना यहां पे हो रहा है, तो यहां माइनस यहां मीन्स आई ए का हीट और आई बी इस वाले पोर्शन पे जो हीट, तो यहां का हीट ज्यादा होगा, जाहिर सा बात है टी एच इज ग्रेटर देन टी सी, तो यहां हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो मान लीजिए यहां ज्यादा हीट है यहां कम हीट है, तो ये ज्यादा हीट में से कम हीट घटाएंगे तो बाकी हीट क्या कर रहा है, तो वो बॉडी को गर्म कर रहा है। ओके, सो बॉडी गर्म करने, जो बॉडी में हीट आता है तो हम क्या लिखते हैं, एमएस डेल्टा टी, हम लोग कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके हैं। ओके, सो यहां पे एंड दैट इज एम एस डेल्टा टी, एस क्या है, तो स्पेसिफिक हीट इस मटेरियल का। ओके, तो हम लोग यहां देखते हैं, इट इज माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहां पे, ए पे, माइनस माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहां पे, बी पे, ये जब इसमें से जब घटाएंगे तो बाकी कहां जा रहा है, एम एस डेल्टा टी। ओके, एम एस डेल्टा टी, अच्छा ये तो वॉट में होगा, ये जूल में होगा, तो इसमें आप कुछ नहीं करें, आप डी टी से
सपोज करिए कि वो डेल्टा टी टाइम में ये हो रहा है, को आते हैं फिर से लिख देते हैं, दैट इज आई ए माइनस आई बी इंटू डी टी, कुछ समय की बात कर रहे हैं, मतलब टी प्लस डी टी टाइम, एकदम छोटे समय में क्या हुआ होगा, तो छोटे समय में ये इसको कितना गर्म किया होगा, एम एस डी टी, छोटे से टेम्परेचर के लिए, इज दिस ओके। और हमको ये पता है आई ए कितना है, तो दैट इज माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहां पे, ए पे, माइनस माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, कहां पे, बी पे, और दैट इज इक्वल टू एम। अब दोस्तों चाहे तो आप m को रो के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप रो के फॉर्म में लिखेंगे तो रो ए dx हो जाएगा, इसका लेंथ तो dx है, इतने ही दूर की बात कर रहे हैं dx, और यहां पे ये हो गया s, इसका स्पेसिफिक हिट s है, और ये dt, और ये कितने समय के लिए हो रहा है, तो dt टाइम के लिए, ओके। तो ये कंडीशंस यहां पे हो रहे हैं, मतलब अच्छा, और अगर ये आईए और आईबी बराबर होता तो आईए माइनस आईबी क्या होता, जीरो, और वो बॉडी को टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा होता है। तो आप इसको सोच भी सकते हैं, आप ऐसा समझे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसा समझे कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आप पढ़ते हैं कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई इज करेंट, आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टाइम, पढ़ा होगा आपने टेंथ में। तो ऐसा समझिए कोई भी नॉर्मल वायर, घर का वायर, मान लीजिए पंखे में करंट जा रहा है जिससे पंखा चल रहा है, तो तार में जो करंट जा रहा है वो दो घंटे, मतलब सपोज करिए पंखा दो घंटे चल गया, तो आई स्क्वायर आर टी टाइम्स हीट गया, आई स्क्वायर आर टी टाइम हीट गया, बिल्कुल, तो टाइम जितना बढ़ेगा हीट तो उतना बढ़ेगा ना, तो क्या पंखा पंखा का तार कभी कभी जल जाता है क्या एक दिन के बाद, नहीं जलता है, क्यों, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है, जितना हीट आता है तार में उतना ही हीट चला जाता है कहां, एनवायरमेंट में, तो आईए जितना आया और आईए उतना चला गया, तो बचा क्या बीच में, कुछ नहीं, तो वो उसके बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज नहीं करता है, ओके। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक तार है, ये एक तार है जिसमें करंट गया आई, ठीक है, ठीक है भाई साहब, और इसमें रेजिस्टेंस इसका है आर, इसका जो हीट होगा दैट इज आई स्क्वायर आर टी ना, तो टाइम यानी पंखा को दो घंटा चला देंगे तो हीट इतना बढ़ जाएगा उसको जला देगा, लेकिन वो नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि आई यहां जितना आता है कुछ देर तक गर्म होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जितना आई यहां से आता है उतना आई बाहर भी निकल जाता है, मतलब आने वाला बराबर जाने वाला, अगर आने वाला बराबर जाने वाला हो गया तो मान लीजिए कि ये दो क्रॉस सेक्शन है, इसमें आया आई और गया आई, घुसा आई और यहां भी घुसा आई, तो यहां दिस माइनस दिस इज व्हाट, आई माइनस आई इज जीरो, तो क्या इस बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हीट करेगा फर्दर, नहीं, यही हमको देखने को मिलता है कि पंखा का तार गर्म तो होता है एक कुछ देर के बाद, उससे ज्यादा गर्म नहीं होता है जिसके कारण वो जलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं करता है, इज दिस ओके। तो ये हम लोगों को पता है डेली लाइफ का एग्जांपल है, लेकिन अगर यहां पे ये दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा हीट क्या करेगा, उसके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, वो गर्म करेगा, ओके। तो अब यहां पे सवाल क्या आता है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे अगर हम टीएक्स कर्व की बात करें, यहां पे अगर हम टीएक्स कर्व की बात करें, तो दोस्तों आप हमको ये बताइए कि टीएच से टीसी पे पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, कौन सा सही है, वन टू थ्री, इसमें से कौन सा सही है, दोस्तों आपको याद होगा कि बीच वाला हम लोग स्टेडी स्टेट के लिए बने थे, अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे हम, तो वो तो नहीं होगा, मतलब अगर ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि वन पहला सेकंड कौन सही है, नन ऑफ दिस, कौन सही है इसमें, तो दोस्तों इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है ये, इसलिए इसका चर्चा यहां पे हो रहा है, लॉजिक है ये कि ये तो नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में था, और अगर आप
से देखें तो तीन भी नहीं होगा, क्यों? अब देखिए जरा, ये यहां से यहां तक कितना है एल, ये यहां से यहां तक कितना होगा एल। तो आप यहां से देखिए, अगर ये टी एच और ये टी सी है तो यहां से यहां तक टेम्परेचर घटा है कि बढ़ा है? मान लीजिए कि अगर हम बात करें, अगर यहां पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? उससे तो कम ही होगा ना, और ये इससे कम होगा, और ये मान लीजिए ये टीसी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तो घट ही रहा है ना, मतलब लेंथ के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो यहां देखिए टेम्परेचर जैसे हम लेंथ में आगे बढ़े तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा थोड़ी ना, वो तो घटेगा ना। और थोड़ी देर के बाद वो यहां से ये टेम्परेचर टीएच से टीसी होगा, इससे कम तो नहीं होगा ना टेम्परेचर? यस। तो यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट का था, और ये तो हो नहीं सकता। तो यही होगा कि पहले ये था और आते 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 कुछ देर के बाद ये टीसी पे हो जाएगा ऐसा, मतलब एसिम्प्टोटिक, मतलब पैरेलल। ठीक है, तो सही कौन सा हुआ? ये वाला। सो दिस इज द आंसर। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। दोस्तों कल हम लोग एक बात किए थे कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है उस वो एनालॉगस है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। हम लोग देखे थे कि वहां पे था इलेक्ट्रिक करंट और यहां पे है क्या? हीट करंट। और वहां पे रेजिस्टेंस था तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पे क्या है? हीट करंट है, थर्मल रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस है। ये हम लोग कल देख चुके थे। तो दोस्तों थोड़ी सी बात और हमको यहां पे ध्यान रखने योग्य है, जिससे कि आपका सवाल काफी अच्छे से आसानी से बन सकता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ चीज आप जानते होंगे, पर थोड़ा बहुत अगर नहीं भी जानते हैं तो सीख लीजिए यहां पे जल्दी से। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, पहला तो था ओम्स लॉ, जो आपको पता होगा वी बराबर आई आर, जिसमें आर कांस्टेंट होता है, और दूसरा होता है किरचॉफ्स लॉ। शायद ये आपने नहीं सुना होगा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि नेट करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। अच्छा, जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन, तो यहां पे हम स्टार मार्क करके जंक्शन लिख दे रहे हैं। जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन टू वायर्स। जहां पे दो से ज्यादा वायर मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक। और दूसरा चीज है कि, और ये किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? कि नेट करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब मान लीजिए जंक्शन है और यहां पे ये ऐसा ऐसा ऐसा, मान लीजिए इतने सारे वायर है, ठीक है, और यहां पे नेट करंट जीरो होगा। तो भाई साहब नेट करंट जीरो, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये जंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है, तीन तार मिल रहा है, दो से ज्यादा है ना तीन, और वहां पे नेट करंट जीरो है, मतलब क्या है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, तभी ना वो जीरो होगा। तो मान लीजिए ये आई वन है और ये आई टू है, ये आई वन आई टू आया और मान लीजिए आई थ्री जाने वाला है, तो जाहिर सा बात है आप लोग अपने बुद्धि से समझ सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू, ये आया और गया कितना? आई थ्री। या ऐसा करें, अगर आने वाला को पॉजिटिव माने हैं तो जाने वाला को क्या माना पड़ेगा? निगेटिव है, नेट कर, ये हो गया नेट करेंट और दैट इज इक्वल टू जीरो। और सिंपल बात तो वही है कि आई वन आई टू बराबर आई थ्री, मतलब आने वाला बराबर जाने वाला। ये बात दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, तो कोई खास बात नहीं है। इसको अगर आप मोस्ट मतलब स्पेसिफिकली जाने तो ये किरचॉफ्स करेंट लॉ है। आप बोलेंगे सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी होता है क्या? तो हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी होता है। तो वो क्या है जान लीजिए यहां पे, हालांकि उसका ज्यादा काम यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इतने टिपिकल सवाल नहीं आते इसमें। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोलते हैं।
और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केवीएल ही बोलते हैं। ज्यादा स्पेसिफिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, यहां ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज जीरो। लूप क्या होता है भाई साहब? तो लूप होता है एक पॉइंट से चले और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं लूप। दोस्तों आप एक चीज जानिए, हम आपको एक बात बताते हैं। ये मतलब ठीक है, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, यहां पर उतना ज्यादा काम नहीं आएगा इसका, इसलिए छोड़ते हैं इसको। बट जरा दिमाग लगाइए, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप जीरो क्यों बोला? सोचिए पोटेंशियल है यहाँ पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, हम लोग पहले वर्क पर एनर्जी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब पॉइंट। एक पॉइंट पे जाएंगे तो उतना ही मान लीजिए कि सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हम इसको इतने हाइट पे रखें, एच हाइट पे, ग्राउंड से ही एच हाइट पे है, तो यहां पे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी पीई है और फिर इधर से इधर घूम गए और फिर इसी पॉइंट पहुंच गए जो पहले था, तो फिर से वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अरे उतना ही होगा पीई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। कोई खास बात नहीं है, तो ये लॉजिकल है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो मैं बता दूं आपको, देखो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हालांकि ये सब इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई आपके लिए नया नहीं है, आप लोग देखे होंगे क्लास 10th में, सिंपल सर्किट बनाते हैं हम। मान लीजिए ये वी है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, और यहां से गया आई, ठीक है, ये गया आई, ये गया आई, इसमें भी गया कितना, तीनों में कितना गया आई, फिर यहां से गया आई, और यहां और भी बेसिक बातें हैं, हम उसका चर्चा इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, जितना काम है उतना ही लेके चलेंगे। सो इट इज ए, इट इज बी, सपोज इफ इट इज सी, इट इज डी, इट इज ई, इट इज एफ। तो इसका लॉ क्या कहता है कि एक लूप में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नेट पोटेंशियल जीरो। तो चलिए लूप में अगर चलते हैं तो आप देखिए हम लोग चलते कैसे हैं, हम आपको बताते हैं। ओके देखिए, मान लीजिए लूप में चले आप ऐसे, ये लूप है, आप ऐसा भी चल सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, आप उल्टा भी जा सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी जा सकते हैं। तो सपोज बी से लेकर सी, मान लीजिए कि अगर यहां पे देखा जाए दोस्तों, ये देखते चलिए काम आएगा, सब काम आएगा, ये आई वी वन और वी टू। हम आपसे पूछे कि बताइए पोटेंशियल वी वन से वी टू, वी वन यहां से जब यहां करंट गया तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? दोस्तों घटा, यहां पे एनर्जी था वी वन और कुछ लेके चला गया आई स्क्वायर आर, और फिर ये यहां से लेके चला गया तो वी टू तो घटा ना, और करंट वैसे भी कैसे पास करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो जाहिर सा बात है ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। ओके तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात, यहां से यहां गया तो एनर्जी घटा की बढ़ा? दोस्तों आपको याद होगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अगर ये एनर्जी लेके गया तो वो कहां से लाया आई स्क्वायर आर टी? तो ये वी वन, इसी के पास वो एनर्जी था, वहां से आई स्क्वायर आर टी ले गया तो बचा कितना? वी टू। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एनर्जी ज्यादा होगा, समझ में आया? तो कोई खास बात नहीं है। ओके तो यहां पे अगर ये ज्यादा होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, बस याद रखें, ठीक है? तो ये प्लस ये माइनस, ऐसा करते हैं इससे बताते हैं, तो इस पे देखते हैं पहले ये प्लस ये माइनस, फिर इधर देखें इस सीडी पोर्शन के लिए, तो ये प्लस ये माइनस, फिर इसके लिए करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? और यहां देखें बैटरी में ये लोअर पोटेंशियल होता है और ये हायर पोटेंशियल, दोस्तों आपको पता है ये बात। ओके चलिए लूप में चलते हैं, वी बी
प्लस में से माइनस घटाएंगे तभी तो प्लस क्वांटिटी आएगा। तो प्लस से माइनस गए तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? प्लस से माइनस गए तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? घटा दोस्तों, घटा। तो यहां क्या देंगे? माइनस वीबी माइनस वीसी, उसके बाद प्लस से माइनस फिर घटा, तो माइनस वीसी माइनस वीडी, सॉरी वीडी, फिर प्लस से माइनस, दोस्तों बताइए घटा कि बढ़ा? फिर घटा, तो माइनस वी डी माइनस वी ई। और दोस्तों जब वापस आए तो यहां माइनस से प्लस, घटा कि बढ़ा? तो बढ़ा, तो दैट इज प्लस कितना है ये वी, मतलब वी एफ माइनस वी ए। ओके चलिए अब देखते हैं ये कितना होता है। दोस्तों एक चीज आप जाने, यहां अगर ये v है तो ये v क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस v है तो यहां पे अगर जीरो होगा तो क्या इसको v कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v माइनस जीरो v, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस v होगा तो अगर हम इसको जीरो माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा? v। दोस्तों ये हम कर सकते हैं, हम जीरो मान सकते हैं, एक को हम लोग जीरो पोटेंशियल मान के पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट का होता तो अगर यहां जीरो कर दे तो यहां 12 होता, तभी 12 माइनस जीरो 12 वोल्ट होता, ठीक है। तो ये जीरो है और ये वी है, और यहां से यहां तक खुला तार है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या कोई एनर्जी जाएगा? कोई एनर्जी नहीं जाएगा। अगर यहां रेजिस्टेंस जीरो होता तो जितना यहां पर पोटेंशियल होता उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होता, ठीक है। तो अगर यहां पर वी है तो यहां पर भी कितना होगा? वी, ओके। और यहां पे जीरो है तो यहां पे कितना होगा? जीरो। बस अब देखिए वैल्यूज पुट करें और देखिए आपको आंसर आ जाएगा। माइनस वीबी, तो सबसे पहले वीबी किसके बराबर है? वी के बराबर। माइनस माइनस प्लस वीसी, यहां माइनस वीसी, माइनस माइनस प्लस वीडी वीडी, फिर माइनस वीडी, माइनस माइनस प्लस वीई वी। और अच्छा वी कितना है भाई साहब? वी है जीरो, वी है जीरो प्लस वीएफ, Vf कितना है भाई? Vf है जीरो, और फिर कितना है भाई साहब? माइनस Va, Va कितना है? तो V, देखिए कितना होता है ये, तो V से ये कटा, ये से ये कटा, और ठीक था, हाँ सॉरी इधर से इधर आया ना, तो ये हो गया Vb माइनस Vc और प्लस वी एफ माइनस वी ए। दोस्तों यहां पे ये सब तो ठीक था, और यहां पे अगर माइनस से प्लस गए तो बढ़ा कि घटा? वो बढ़ा, दैट इज प्लस। तो हमको अगर एक बार साइन चेंज कर दिए तो ये रखना चाहिए मुझे वी ए माइनस वी एफ, ये ठीक है। अरे पोटेंशियल यहां से यहां तक बढ़ा है, यहां से यहां तक बढ़ा है, तो ये माइनस से प्लस है ना, तो माइनस देखिए आप ये काम कर सकते थे, बट यहां माइनस से प्लस आया है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आप ऐसा समझिए अगर यहां पे वी एफ माइनस वी होता तो जीरो माइनस वी होता, यानी कि पोटेंशियल घटा है, जो कि सही बात नहीं। यहां से यहां तक पोटेंशियल बढ़ा है, आप यहां से आओगे तो वी वोल्टेज बढ़ा है यहां पर, ठीक है। तो यहां देखिए ये कितना हो गया, वी ए कितना है? तो वी के बराबर, और ओके, और ये माइनस जीरो। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, वीसी से वीसी गया, वीडी से वीडी गया, और वी से वी गया, तो नेट कितना हो गया? जीरो। तो देखिए लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। अब हम आपको लिख के ही बताते हैं ये चीज, तो ये तो लॉ के हिसाब से है। अब अगर आप देखें, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ओके। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो जीरो हो गया, चलिए अब कहने का मतलब क्या है, अब यहां पे हम करेंगे जीरो, क्योंकि हमको लॉ से पता चल गया। तो भाई साहब वीबी माइनस वीसी क्या होता है, अगर मान लीजिए वी वन और वी टू है तो ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस वी टू बराबर आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो यहां भी क्या करेंगे, माइनस वीबी माइनस वीसी, तो वीबी माइनस वीसी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर वन माइनस आई इंटू आर टू
माइनस आई इंटू आर थ्री और प्लस वी, बड़ा की घटा बड़ा, तो प्लस वी बराबर जीरो। सो वी बराबर कितना हो गया, आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ओके सो यहां देखिए ये ऐसा कहानी है, तो कोई खास बात नहीं, यहां से यहां तक पोटेंशियल घटेगा तो माइनस आई इंटू आर वन, यहां से यहां तक फिर घटेगा तो माइनस आई इंटू आर टू, फिर यहां से यहां तक घटेगा तो माइनस आई इंटू आर थ्री, और यहां से यहां तक बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो वी बढ़ेगा, तो माइनस से प्लस दैट इज प्लस वी, तो वी बराबर आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इज दिस ओके? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इतना ये सब नोट कर लीजिए अच्छे से ढंग से, और फिर हम बातें करते हैं। दोस्तों आपको एक और बात पता होगा कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्शन, तो आपको पता होगा ये ऐसा कुछ होता है, एक एक बात जानेंगे इसमें। तो दोस्तों यहां देखिए, यहां पे क्या बराबर होता है, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, तीनों में क्या बराबर होगा, तो भाई साहब बराबर होगा आपका क्या, बराबर होगा करंट, यानी कि आई कांस्टेंट होगा इन ऑल द रजिस्टर। दोस्तों याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां काम आएगा, ठीक है? और यहां आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बात आप पहले से भी जानते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है? ओके। और सपोज इसमें आपको पूछ दे एक छोटा सा, अगर कोई बोले प्रूफ है तो प्रूफ भी के लिए कोई खास बात नहीं मेरे लिए। ये देखिए, अगर कहीं भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है कभी भी, तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एक बात जरा सुन लीजिए, एक इंफॉर्मेशन है कि R बराबर V अपॉन I होगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। मुझे ये बताइए ये R जो है किस पे डिपेंड करता है, अगर हम I बढ़ाएंगे तो R का क्या होगा? कई बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि I बढ़ाएंगे तो R घट जाएगा और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो R बढ़ जाएगा। दोस्तों ये गलत सोच है, ऐसा इक्वेशन में दिखता है लेकिन होता नहीं है। R ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, ठीक है? R जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, रो इनटू एल बाय ए, एल और ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और रो हो गया मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो आर कभी भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, ये बात आप इसे याद रखें, ठीक है? ओके। तो यहां देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो करना ये होता है, आप जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे पूछे कि इसके और इसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अच्छा जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा वो दो पॉइंट के अबाउट बोलेगा, वो ऐसे ही नहीं बोल सकता, ठीक है? दो पॉइंट के अबाउट बोलेगा। मान लीजिए आपको पूछ दे कि ए और बी के अबाउट बताओ भाई साहब कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करना कुछ नहीं है, इसके अबाउट बैटरी कनेक्ट कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं करना, फिर किरचॉफ तो लगाना है आपको। तो अगर यहां पर किरचॉफ तो लगाओगे तो आपको पता ही है, मान लीजिए अगर आपको लूप में चलना है कैसे चलोगे, जैसा मर्जी हो चल सकते, ऐसे ही चलो, चलो ऐसे लूप में आएंगे, ठीक है? तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और करंट तो ऐसे बहेगा ना भाई साहब, तो ये प्लस भाई साहब, ये माइनस भाई साहब, ये प्लस भाई साहब, ये माइनस भाई, प्लस भाई साहब, माइनस भाई साहब, ठीक है? तो यहां से चलते हैं, कहां चले, इधर चले ऐसे, चलो ऐसे ही चलते हैं, प्लस से माइनस घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो माइनस वी, तो इधर से माइनस से प्लस बढ़ेगा घटेगा तो बढ़ेगा, तो दैट इज माइनस आई इंटू आर थ्री, माइनस से प्लस बढ़ेगा घटेगा तो बढ़ेगा, तो प्लस आई इंटू आर टू, और फिर यहां से बढ़ेगा माइनस आई इंटू आर थ्री बराबर जीरो। अरे केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल अभी भी तो पढ़ा, सो यहां से निकल के क्या आया, वी बराबर आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है? दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं, अगर आपको लिखना भी हो तो आप लिख लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कंसेप्ट है जिसमें कि वी
और आई नहीं बदलेगा, ये दोनों को बिना छेड़छाड़ किए सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे यहां पे तो हमको V और ये नहीं बदलना है, खाली इन तीन को हटा के एक कर देना है, बाकी कंडीशन। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर ये V है तो यहां आपका जीरो मान लेते हैं, यहां V होगा, देख सकते हैं पोटेंशियल है V माइनस जीरो, और यहां पे भी क्या होगा? V, और यहां पे भी क्या होगा? जीरो। तो दोस्तों ये जो ब्रांच है हमारा, इस ब्रांच के यहां पे पोटेंशियल कितना है? V, और यहां पोटेंशियल कितना है? जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहीं कभी नहीं बदलेगा, इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस करना है, और जो गिवन कंडीशन है V और जीरो का वो चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पे V होगा तो यहां क्या होगा? जीरो। और इसमें फ्लो कितना कर रहा है? करंट I, वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमको आ जाएगा V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, ये हो गया वन और ये होगा टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, आपको पता है कि ये V और ये V बराबर है, I और I बराबर है। अब उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई खास बात नहीं है, ये सब छोटा सा मतलब प्रूफ है जो आपको पता भी होगा। ठीक है, जिसको आता है उसको लिखने की कोई और खास आवश्यकता नहीं, ये हम KVL कैसे लगेगा ये हम लगा के आपको बताएं, और कोई खास बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए। ओके, दूसरा आपको पैरेलल कनेक्शन भी पता होगा। ये दोनों मुख्य कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, बताओ कि A और B के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं करना है, हम जैसे आपको वहां बोलते वैसा ही यहां पे करना है। यहां बैटरी कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहां V आएगा और यहां जीरो आएगा। अब बोले सर हम यहां V करेंगे यहां जीरो करेंगे, अरे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये V यहां से V से जीरो करने में अच्छा लगता है थोड़ा, इसलिए हम करते हैं। आप उल्टा भी करते हो कोई खास बात नहीं। ओके, मान लीजिए यहां पे करंट आया I, करंट आया I, तो क्या ये यहां पे बटेगा? बिल्कुल बटेगा भाई साहब, बिल्कुल बटेगा। बटेगा तो यहां मान लो गया I1 और यहां गया I2 और यहां गया I3। ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल V है तो यहां जीरो है, तो यहां कितना होगा? जीरो। ठीक है, और यहां कोई रेजिस्टेंस थोड़ी ना है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं। ओके, दोस्तों जरा मुझे ये बताएं आप कि इस कनेक्शन में क्या इक्वल आपको लग रहा है? क्या I1 I2 I3 इक्वल है? नहीं, करंट कांस्टेंट था सीरीज में, यहां पे क्या कांस्टेंट है? तो देखिए इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो V माइनस जीरो। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो V माइनस जीरो। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो V माइनस जीरो। तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस जीरो। तो क्या पैरेलल कनेक्शन में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है? यस, यहां लिखेंगे सबसे पहली बार पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा आर इक्विवेलेंट बराबर, सॉरी, वन बाय आर इक्विवेलेंट बराबर वन बाय R1, वन बाय R2 और वन बाय R3, ये हाइपरबोलिकली ऐड होता है। ओके दोस्तों, आप अगर इसका प्रूफ भी देना चाहो कोई खास बात नहीं। अगर आप देखो केसीए लगा लो यहाँ पे, अगर केसीए लगाएंगे तो आने वाला बराबर जाने, ये जंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर जंक्शन तो जंक्शन पे जितना आया उतना ही गया, तो आई आया तो गया कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बताओ ये आई जो है, चल ठीक है आई रहने दे, I1 कितना है अगर बात करो तो? यहां पे V माइनस जीरो बराबर I1 इंटू R1। इस रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं R1, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये जीरो है और जा कितना रहा है? I1। तो हमको पता है कि V माइनस जीरो कितना है? I1 इंटू R1। ठीक है भाई साहब, तो I1 को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R1। तो लिखिए V अपॉन R1। इसको क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R2। और सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R3।
फिर से बात करें आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करनी है तो गिवन कंडीशन नहीं बदलेगा, मतलब जितना रेजिस्टेंस है सबको हटा के एक रेजिस्टेंस कर दो और कंडीशन जो वी और जीरो है वो तो नहीं बदलेगा। कंडीशन क्या है? वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट बदलने वाला नहीं है, ये वी जीरो है तो यहां भी वी जीरो, और करंट कितना जा रहा है फाइनली इसमें आई, तो वो भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, तो भाई साहब आपको पता है कि अगर इस सर्किट की बात करें तो आपको पता है कि इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, सिंपली वी बराबर आई आर। तो अगर ये है आपका दूसरा और ये है आपका पहला, तो कंपेयर वन एंड टू, आप कंपेयर करके लिख सकते हैं कि वी अपॉन आर बराबर वी अपॉन, वी कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वी से वी कट गया, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ओके, सो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये सब दोस्तों इसलिए हम किए क्योंकि किरचॉफ्स लॉ आपको नहीं पता था, ये दोनों हम किरचॉफ्स लॉ की मदद से प्रूफ करके आपको बताए। ठीक है, इसको देखिए और समझिए। ठीक है, दोस्तों देखिए, जैसे एक सवाल ये है, ठीक है, ये बड़ा डरावना लगता है बट ये कुछ है नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। तो सवाल इसमें ये पूछता है कि मान लीजिए ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, इसका रिलेशन 2 ओम 2 ओम 2 ओम है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये पूछता है कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, बताएं, टेम्परेचर नहीं सॉरी वोल्टेज, टेम्परेचर में बाद में करेंगे, यहां पे तो वोल्टेज पूछ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। कोई खास बात नहीं, एकदम खास बात नहीं दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन यूं बनेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स है मेरे पास, तो वहां पढ़ेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स लगाएंगे, बट यहां के लिए भी देख लीजिए थोड़ा सा बस, यहां पे कोई खास बात नहीं है। आप तो ये कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको मानना है कि करंट I1 आ रहा है और यहां I2 आ रहा है, तो भाई साहब अगर ये I3 जा रहा है, तुमको पता है कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो भाई साहब हमको अकॉर्डिंग टू KCL ये पता है कि I1 प्लस I2 बराबर I3 होना चाहिए, बोलिए। ओके, तो भाई साहब I1 कितना हो जाएगा, तो देखो ये कोई खास बात नहीं है, अगर ये V है, ये जीरो है, ये R और ये I है, तो I कितना होगा V अपॉन R, क्योंकि V बराबर I R होता है। तो यहां पे I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते 20 माइनस V अपॉन टू, क्योंकि आ रहा है ये, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, बिल्कुल। तो 20 माइनस V यानी कि 20 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 2, प्लस ये वाला 10 माइनस V अपॉन 2, और फिर यहां पे बराबर V माइनस 5, ये ऐसा V माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो दो 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 उड़ गया, तो ये हो गया 20 माइनस V प्लस 10 माइनस V बराबर V माइनस 5। ओके, ये V को उधर फेंक दीजिए, तो 20 10 30 और 5 इधर आएगा तो 35, और 35 बराबर V V V, ये उधर चला जाएगा तो 2V और 3V, तो V बराबर कितना हो गया दोस्तों 35 बटा 3 वोल्ट आंसर। लो सिंपल, तो इसमें कहीं से कोई खास बात नहीं है ऐसे सवालों में। ठीक है दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, पहला तो तरीका ये है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर चाहे तो, दूसरा तरीका हम आपको एक और बताते हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हमको ये करने का कुछ खास हो सकता था ही नहीं, हम ये कुछ लिखते ही नहीं, और ये तो हमको बताने के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ रहा है, बाकी इसका कोई खास हो सकता है नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। आप तो ऐसा मान लीजिए कि सारा करंट गया ही बाहर, ये I1, I2, I3, दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग सिर्फ दिमाग में रख के सवाल करेंगे। ठीक है,
अब बोलोगे सर ये सही बात तो नहीं है, सब जा नहीं सकता है। बोले बात तो आपकी सही है, लेकिन जरा मुझे बताइए अगर ये सब जा रहा है, मान लीजिए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर जीरो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब सवाल आता है कि सही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि नहीं है, सब जा कह सकता है क्योंकि हम लोग केसीएल पढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए इसको, अगर गलत होगा तो माइनस में आंसर आएगा, आप परेशान ना हो इसके लिए। बात समझ में? अगर गलत होगा तो माइनस में आएगा बट वैल्यू सही आएगा, ठीक है? तो करना कुछ भी नहीं था हमको, हम चुपचाप यहां क्या करते, ये था v और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो क्या करेंगे, v माइनस ट्वेंटी। आप तो क्या करो, बस v माइनस ट्वेंटी बटा टू प्लस v माइनस फाइव बटा टू प्लस v माइनस टेन बटा टू। अब तरीका अलग तो आंसर अलग आना चाहिए। अरे ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है? तरीका अलग है, आंसर सेम आएगा, मतलब मेरा भी तरीका सही है। तो देखते हैं, दो 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 कॉमन लेके उधर फेंक दीजिए तो जीरो हो गया। अब यहां पे देखिए एक दो तीन, तो थ्री वी बीस पांच पच्चीस और दस पैंतीस। अरे ये तो वही आ गया, बिल्कुल ये उससे काफी आसान तरीका है, कोई खास बात नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर हम सबको आता हुआ मान लेंगे, मान लो ये पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। मेरे लिए जाना हमको अच्छा लगता है इसलिए हम सबको वापस कर देते हैं, ये इधर ये इधर ये इधर, और उसके हिसाब से बना देते हैं। तो अब तो हम करंट को नहीं लिखने वाले हैं, चुपचाप बस आराम से क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया कुछ नहीं करना, v माइनस ये सबको भेजा दो बाहर, मतलब v माइनस फाइव, v माइनस ट्वेंटी और v माइनस टेन कर दो और आंसर आ जाएगा, और जो भी डिस्टेंस उसे डिवाइड भी करना है। ओके चलिए, दोस्तों अब सवाल ये है, अब ये आ गया क्वेश्चन, बोले चार हुए, कोई खास बात नहीं, क्या दिक्कत है। बोले जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो जंक्शन पोटेंशियल मान लीजिए v, तो v कुछ नहीं करना है, फिर सबको भेजा दीजिए v माइनस फाइव बटा फाइव प्लस v माइनस ट्वेंटी बटा फाइव प्लस v माइनस टेन बटा फाइव प्लस v माइनस पच्चीस बटा फाइव, हो गया खत्म। अब पांच पांच कॉमन ले लोगे, सबको फेंक दो उधर। एक मिनट, ये पांच हम जानबूझ के लिए है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे, पांच ले लो तो एलसीएम लेके बकायदा काम करेंगे जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। तो पांच पांच लेके उड़ा दिए उधर फेंक दिए, तो बच गया क्या ये। अब वी कितना है, एक दो तीन चार, फोर वी बराबर बीस पांच पच्चीस, पच्चीस दस पैंतीस, पैंतीस पांच चालीस, बीस साठ, तो वी बराबर सिक्सटी अपॉन फोर दट इज फिफ्टीन वोल्ट। यस ठीक है, सो 20, 10, 30, 25, 30 और 60 है, ठीक। V आ गया 15 वोल्ट, कोई खास बात नहीं है, सिंपल। आप मेरे ये करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ही बना सकते हैं ताकि आंसर आप मिला ले बाद में, ठीक है? बट ये हो गया, ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ओके, यहां तक उम्मीद है कि आपको केसीएल और केवीएल का थोड़ा बहुत नॉलेज तो हुआ होगा, ठीक है? ओके, अब बढ़ते हैं अपने सवालों पर। अब आते हैं वापस, ये था थोड़ा सा बस कि आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से थोड़ा सा आपको रूबरू कर दे ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए मान लीजिए कि सवाल तो कुछ ऐसा आया। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें इसका हीट ट्रांसफर में, अब यहां पे मेरा आई क्या होगा, हीट ट्रांसफर, ये बात आप याद रखें, आई क्या होगा, हीट ट्रांसफर, और आरटीएच क्या होगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों आपको वी बराबर आई आर पता है, तो यहां पे क्या होगा, वी का काम कौन करेगा, पहले हम बात कर चुके हैं इसका, वी का काम करेगा पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इट इज आई इंटू आर, यहाँ पे आर क्या होगा, आर टी एच, यही फॉर्मूला सेम वैसा ही एनालॉजिकल चलेगा, सीरीज यहाँ पे जुड़ेगा, पैरेलल हाइपरबोलिकली जुड़ेगा, और बाकी जो हम लोग बाद में एग्जांपल्स किए वो भी वैसा ही होगा जैसा हम लोग पिछले वाले वो किए थे, ठीक है? ओके,
ओके चलिए, मतलब ये है आपका टी वन टी टू, मतलब डेल्टा टी दैट इज टी वन माइनस टी टू। ओके ये हो गया आर टी एच और ये है आई, तो उसके जैसा आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ठीक है भाई साहब, ओके चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहां पे आर टी एच क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन आई। दोस्तों अब बताइए ये चीज, आई बढ़ेगा तो आरटीएच क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट अगर बढ़ेगा तो आरटीएच क्या होगा, घटेगा? नहीं, वही बात, ये आरटीएच भी ना ही डेल्टा टी पे डिपेंड करता है ना ही आई पे डिपेंड करता है, अगेन ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर रेट के। जैसा वहां था रेजिस्टेंस, वहां वी और आई के इंडिपेंडेंट था, वैसे ही आरटीएच भी डेल्टा टी और आई का इंडिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है, वही मटेरियल प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, बस देखना है तो देखिए। आपको आपने पढ़ा ना आरटीएच क्या था, एल अपॉन के, देखिए एल और ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और के क्या है मटेरियल प्रॉपर्टी, सिंपल। इज दिस ओके, ओके चलिए हम लोग कुछ कुछ काम कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि ऐसा एग्जांपल है, मान लीजिए ये है आपका, ऐसा कर लीजिए, ये है टी वन और टी एच और ये है टी टू, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए वन और ये है एल वन, और मान लीजिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी के वन, ये दो मटेरियल ऐसा जुड़ा हुआ है, और यहां पे इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो है ए टू और ये है एल टू, ठीक है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है के टू। बोला गया कि बताओ इसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई खास बात नहीं भाई साहब, ये डीसी होल्डर, ठीक है ओके, तो करना कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, ये ऐसा है, इसको आप ऐसा बनाइए, ये यहां अब वहां पोटेंशियल लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे टेम्परेचर, तो यहां पे टीएच और यहां पे क्या टीसी, ठीक है, और ये होगा क्या आर टी एच वन और ये क्या होगा आर टी एच टू और ये मान लीजिए पॉइंट ए, ठीक, तो भाई साहब आर टी एच वन कितना हो गया एल अपॉन के वन, तो एल वन अपॉन के वन ए वन, और आर टी एच टू कितना हो गया एल टू अपॉन के टू ए टू। अब बोला गया इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, ए भाई साहब ये देखो ये आर टी एच इक्विवेलेंट, फिर वो ये थोड़ी ना बदलेगा टी एच और टी सी, और आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर टी एच इक्विवेलेंट आर वन प्लस, मतलब आर टी एच वन प्लस आर टी एच टू, सिंपल एल वन अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू ए टू, सिंपल। और आगे होता तो और भी कर लेते, कोई खास बात नहीं है, ओके सो ये कहानी है आपका, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ओके निकाल सकते हैं, ओके। अभी आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, वही वो जंक्शन ए वाला, यानी कि हमसे क्या पूछा है टी ए टेम्परेचर एट ए क्या होगा, अरे कोई खास बात नहीं, आप आर टी एच इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, उसके लिए आपको आई और टी का कोई खास आवश्यकता नहीं है, सीधा आर टी एच वन प्लस आर टी एच टू कर दो, और होता तो आर टी एच थ्री कर देते, और होता तो आर टी एच फोर कर देते, आप आर टी एच इक्विवेलेंट पहले निकाल लो, तो यहां से आई निकलेगा, अगर आप यहां से आई देखो तो आई क्या हो जाएगा पता है, आर टी एच इक्विवेलेंट मतलब V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन R, तो यहाँ पे V है नहीं है टेम्परेचर, तो यानी कि क्या करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है रे टी एच माइनस टी सी अपॉन आर टी एच इक्विवेलेंट। अब दोस्तों तो ये देखिए कि आपको टी एच ही पता है, टी सी भी पता है, आर टी एच इक्विवेलेंट भी पता है, कोई दिक्कत, ओके। अब आप इसमें देखिए स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जितना आई यहां पे होगा वही आई यहां पे होगा, पता है इक्विवेलेंट कंडीशन में आई नहीं बदलता है और ना ही टेम्परेचर डिफरेंस बदलेगा, तो यहां पे आई कितना होगा, फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आर टी एच वन और ये है टी एच और ये है टी और यहां वहां आई, तो यहां पे आई कितना होगा टी एच माइनस टी ए अपॉन
सॉरी मतलब I बराबर टी एच माइनस टी ए अपॉन आर टी एच वन। ओके, क्या ये दोनों बराबर होगा? हाँ, ये वन है ये टू है, तो फ्रॉम वन एंड टू दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी सी अपॉन आर टी एच इक्विवेलेंट बराबर टी एच माइनस टी ए अपॉन आर टी एच वन। ओके, अब वहां पे वो कैलकुलेशन है, अगर वहां देखो तो वो सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, सो यहां पे जो हमको आया है वो हम यहां लिख देते हैं, टी एच माइनस टी सी अपॉन आर टी एच इक्विवेलेंट इंटू आर टी एच वन, और टी ए निकालना था ना, तो टी ए अगर इधर करेंगे तो टी एच में से घटाना पड़ेगा, टी एच माइनस दैट इज इक्वल टू टी ए। आप देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको टी एच पता है, टी एच टी सी पता है, ये आप निकाल चुके हैं और ये भी आप निकाल चुके हैं, तो टी ए निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल है, वो फ्री में मार्क्स बांटेगा, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके, दोस्तों ये सवाल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री, उसमें तो वो सीरीज में कनेक्टेड था, वो दिख भी रहा था, यहां देखिए कैसे कनेक्टेड है, यहां ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये और ये, ठीक है, क्योंकि सभी का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अगर ये टीएच है और ये टीसी है तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टीएच माइनस टीसी, इसका टीएच माइनस टीसी और इसका भी टीएच माइनस टीसी, वैसा ही जैसे रेजिस्टेंस में किए थे। और मान लीजिए इसका जो लेंथ है, मतलब कि ये पूरा लेंथ, ये पूरा जो लेंथ है वो कितना है L1, और ये इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना है L3 और ये L2। सबसे पहले तो इसका सर्किट बना लीजिए अलग से, ये हो गया आर टी एच टू, आर टी एच वन, और कितना हो गया दोस्तों आर टी एच थ्री, ठीक है, और ये है आपका टी एच और ये है आपका टी सी। सिंपल आर टी एच इक्विवेलेंट निकालना कोई खास बात नहीं है, वन बाई आर टी एच वन प्लस वन बाई आर टी एच टू प्लस वन बाई आर टी एच थ्री, सिंपल खत्म, ठीक है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो वन अपॉन आर टी एच इक्विवेलेंट क्या हो गया, यहाँ पे आर टी एच वन क्या है, आर टी एच वन हो गया एल वन अपॉन के वन ए वन, इसका क्या होगा आर टी एच टू, एल टू अपॉन के टू ए टू, एल थ्री अपॉन के थ्री ए थ्री, आप यहां पे रखें, वन अपॉन रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब के वन ए वन अपॉन एल वन प्लस के टू ए टू अपॉन एल टू प्लस के थ्री ए थ्री अपॉन एल थ्री, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन से निकाल दीजिए, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी दिस क्वेश्चन, अब यहां देखिए क्या है भाई, इस क्वेश्चन बोला बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है इसमें, देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये, जैसे मान लो अगर यहां पे ए है और यहां टेम्परेचर टी ए है, ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ टी एच माइनस टी ए, और इसके लिए भी कितना हुआ टी एच माइनस टी ए, जितना यहां पे टेम्परेचर, तो पूरे का आइसोथर्म है ना ये, अगर आइसोथर्म है तो ये पूरे का टेम्परेचर टी ए होगा, तो यहां भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा टी एच माइनस टी ए, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम कब होता है, पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल है, ओके, और जितना हीट इधर से फ्लो करेगा ऑब्वियस सी बात है ये किस में है, इन दोनों से ये किस में है, सीरीज में है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ओके, सो इट इज व्हाट, दिस वन इज आर टी एच वन, ये कितना है भाई एल वन अपॉन के वन ए वन, और ये हो गया आर टी एच टू, और कितना हो गया एल टू अपॉन
एल टू नहीं है यहाँ पे बराबर है तो इसको एल वन ले लीजिए, कोई खास बात नहीं। एल वन अपॉन के टू ए टू और यहाँ आर टी एच थ्री कितना करें, दैट इज एल थ्री अपॉन के थ्री ए थ्री। ठीक है, अब बोला आर इक्विवेलेंट निकालो तो फिर यही यहाँ टी एच है और यहाँ पे क्या है टी सी, आर टी एच इक्विवेलेंट, कोई खास बात नहीं है। आर टी एच इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो गया आर टी एच वन इंटू आर टी एच टू अपॉन आर टी एच वन प्लस आर टी एच टू प्लस आर टी एच थ्री। अबे ये पैरेलल में है, पैरेलल में तो वन अपॉन दिस जुड़ेगा तो वो यही आएगा, ये वाला ये पैरेलल का जोड़ के आया और ये सीरीज में फिर जोड़ दिया उसके, इन दोनों के पैरेलल फिर उसके सीरीज में, सिंपल। अब वैल्यूज रखिए और इक्विवेलेंट निकालिए, ये हो गया एग्जांपल नंबर फोर। दोस्तों अब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कई बार ये पूछा जाता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे मान लो यहां पे K1 लगा है, K2 लगा है, K3 लगा है, तो अगर हमको एक K चाहिए, अगर हमको एक K चाहिए तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, यानी कि K इक्विवेलेंट क्या होगा। जैसे वहां आर टी एच इक्विवेलेंट निकालते थे, यहां पे K इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, सेम बात यहां वही है, K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो K बराबर क्या होता है, सॉरी देखिए सवाल कुछ तो ऐसा है, फाइंड के इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, फिर गिवन कंडीशन जो लेंथ और ये एरिया है वो नहीं चेंज करेंगे तो के इक्विवेलेंट कितना होगा। मेरा कहने का दोस्तों अभी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाए, कोई खास बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आर टी एच इक्विवेलेंट पहले होता क्या है, दैट इज सीरीज में है ना, एल वन अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन के टू ए टू प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री ए थ्री। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हमको के इक्विवेलेंट चाहिए तो सबका के बराबर हो जाएगा, सभी के इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि हमको एक के चाहिए, तीनों के जगह एक के चाहिए। तो क्या लेंथ और एरिया बदले, नहीं, लेंथ और एरिया नहीं बदलेंगे। तो लेंथ और एरिया जब नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा अगर मान लो कि अगर हम जैसे जैसे ऐसा देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर टी एच है, तो अगर हम बदल दें और के की के वन के टू के थ्री की जगह के इक्विवेलेंट रख दें तो क्या आर टी एच बदल जाना चाहिए, नहीं, आर टी एच बदलेगा तो सिस्टम ही बदल जाएगा, आर टी एच नहीं बदलना चाहिए। सो आर टी एच इक्विवेलेंट तब भी क्या होगा, एल वन अपॉन ए वन के इक्विवेलेंट प्लस एल टू अपॉन ए टू के इक्विवेलेंट प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री सॉरी के इक्विवेलेंट ए थ्री, ओके। अरे वही पहले वाली बात है यार, कोई खास बात नहीं। देखो आर टी एच बराबर एल अपॉन के होता है ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए आर टी एच। ठीक है, तो वहां था वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी अपॉन आई, तो आर इक्विवेलेंट जब निकालते थे तो गिवन कंडीशन होता था वी और आई, उसको चेंज नहीं करते थे। तो यहां पे जब हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां पे भी इन सब गिवन कंडीशंस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं आर टी एच बदलेगा, नहीं एल बदलेगा, नहीं ए बदलेगा। ठीक है, तो आर टी एच इक्विवेलेंट जो सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस है वो उतना ही होगा। ठीक है, सिर्फ हमको के वन के टू के थ्री की जगह एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, एल वन अपॉन के वन ए वन प्लस एल टू अपॉन के टू ए टू प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री ए थ्री बराबर एल वन अपॉन के इक्विवेलेंट ए वन प्लस एल टू अपॉन के इक्विवेलेंट ए टू प्लस एल थ्री अपॉन के इक्विवेलेंट ए थ्री। ठीक है भाई साहब, तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एल आई के आई ए आई बराबर वन अपॉन इक्विवेलेंट कॉमन ले लीजिए
और ये किसका समेशन है, एल आई और ए आई का, वही आई बराबर वन से लेकर एन तक जितना मर्जी है उतना कनेक्ट करते जाइए, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट क्या हो गया, समेशन ऑफ एल आई अपॉन ए आई अपॉन समेशन ऑफ एल आई अपॉन के आई ए आई, वही आई बराबर वन से लेकर एन, आई बराबर वन से लेकर एन। ये हुआ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, कब, जब ये सारा किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये हुआ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। दोस्तों जब कभी भी आपको पूछे तो आप ऐसा बना दीजिए। दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सवाल ये है, ठीक है, सवाल तो ये दिया हुआ, इसका लेंथ एल है, इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ओके, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के टू है, सॉरी। और अगर मान लीजिए इसमें पूछ दिया आपसे कि बताइए के इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर सीधा पूछा कि के इक्विवेलेंट क्या होगा, तो दोस्तों हमको क्या क्या नहीं चेंज करना है, एल और ए चेंज नहीं करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सो ये क्या हो जाएगा, हमको पता ही है समेशन, आप चाहे फॉर्मूला यूज कर लो चाहे पूरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप आंसर ला सकते हो। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर सकते हैं कि एल अपॉन के वन ए प्लस एल अपॉन के टू ए, दोनों को जोड़ लिए, ठीक है। और अब एल अपॉन ए के इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस एल अपॉन के इक्विवेलेंट ए, कोई खास बात नहीं है। सो यहां देखें ये कितना हो जाएगा, एल अपॉन ए वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, याद रखें भाई साहब जो हम कर रहे हैं आप भी वैसे ही करेंगे। सो एल अपॉन ए इंटू वन प्लस के इक्विवेलेंट प्लस वन प्लस के इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा टू अपॉन के इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। एल से एल कट गया और के इक्विवेलेंट कितना हो गया दोस्तों, के इक्विवेलेंट हो गया आपको, आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई खास बात नहीं है। अगर ये इधर जाएगा तो ये ऊपर आएगा टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, देखिए ओके। सो कई बार आपसे पूछा जा सकता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा याद रखिए जब भी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सिस्टम के पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेंगे, उसके पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो सिस्टम के पैरामीटर में, जैसे इस सिस्टम का एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा RTH, एक लेंथ होगा और एक A होगा, ठीक है। तो ज्योमेटिकल पैरामीटर को कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब L और A को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, और इस सिस्टम का जो RTH है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे और सवाल तो ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। दोस्तों वो इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट निकालना था सीरीज के केस में, ये हमको निकालना है पैरेलल के केस में। यहां पे देखिए दो ये है थर्मल कंडक्टर, और ये किस में कनेक्टेड बता सकते हैं, ऑफ कोर्स पैरेलल में। इसका टेंपरेचर डिफरेंस कितना होगा, टीएच माइनस टीसी, और इसका टेंपरेचर डिफरेंस कितना होगा, टीएच माइनस टीसी। तो टेंपरेचर डिफरेंस सेम, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैरेलल में होगा, कोई खास बात नहीं है। तो यहां पे आप देखें आपको पता है कि इसमें आरटीएच इक्विवेलेंट कितना होगा, तो RTH इक्विवेलेंट इसमें होगा RTH1 इनटू RTH2 अपॉन RTH1 प्लस RTH2, ठीक है। तो ये कोई खास बात नहीं है, अरे भाई चलो किसी को अगर ये नहीं पता है तो आपको ये पता है ना, 1 अपॉन RTH इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन RTH1 प्लस 1 अपॉन RTH2, कोई खास बात नहीं, वही उसी से हम वो लिखे थे, ठीक है, ओके। तो RTH इक्विवेलेंट तो नहीं बदलना चाहिए, ओके। तो यहां पे ये पहले बताओ मुझे 1 अपॉन RTH1 क्या होगा, तो RTH1 होता है L अपॉन K, तो K1 A1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका जाएगा K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2। अब जो इक्विवेलेंट करेंगे तो L और A चेंज नहीं होगा, खाली K की जगह K इक्विवेलेंट कर देंगे, क्योंकि वही एक होगा, वो सबका क्या हो जाएगा, तभी तो K इक्विवेलेंट निकलेगा। सो दैट इज K इक्विवेलेंट A1 अपॉन L1 प्लस K इक्विवेलेंट A2 अपॉन L2, ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। अब यहां देखें तो ये क्या है, ये है समेशन ऑफ के आई ए आई एल आई बराबर के इक्विवेलेंट
समेशन ऑफ ए आई और अपॉन एल आई, फिर वही आई बराबर वन से लेकर एन, कोई खास बात नहीं है, आई बराबर वन से लेकर एन, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो, इसको यहां रख दो, समेशन ऑफ आई बराबर वन से एन, सो आई बराबर वन से लेकर एन, ओके, सो दैट इज के आई ए आई अपॉन एल आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर वन से लेकर एन और ए आई अपॉन एल आई। दोस्तों ये है आपका के इक्विवेलेंट, कब, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों एग्जांपल्स के लिए एक ये एग्जांपल है, इसमें आपको पूछा गया के इक्विवेलेंट कितना है इसका, यहाँ पे दो कंडक्टर है, तो ये हो गया एक और ये दूसरा है, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसका लेंथ एल है और एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका भी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन ए है, और थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया के इक्विवेलेंट क्या होगा, कोई खास बात नहीं है, वैसे ही करेंगे, वन अपॉन एल वन करेंगे तो के वन सब ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा के वन ए वन अपॉन एल वन प्लस के टू ए टू अपॉन एल टू, और इस के वन के टू क्या रखे हैं के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट निकल जाए, के इक्विवेलेंट इंटू ए ए वन, अच्छा ए वन ए टू तो यही है ना, ठीक है, तो ए अपॉन एल प्लस के इक्विवेलेंट ए अपॉन एल, ओके, सो कोई खास बात नहीं है। सो यहां देखें ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल बाहर निकाल लीजिए, सो हो गया के वन प्लस के टू और बराबर ए अपॉन एल बाहर ले लीजिए, एंड दैट इज 2k equivalent, a1 से a upon l से a upon l खत्म, और k equivalent से क्या हो गया रे, that is k1 plus k2 by 2, so कोई खास बात नहीं है, okay, तो समझ सकते हो कोई खास बात नहीं है। दोस्तों मान लीजिए कि एक सवाल आपसे पूछा इसमें कि चलिए ठीक है वही सवाल है, मतलब उसी में दूसरा सवाल बना सकते हैं, बोला कि सर सिस्टम तो तुमको ये दिया हुआ है लेकिन हमको जो सिस्टम चाहिए, हमको जो सिस्टम चाहिए वो ये तो नहीं बदलेगा, ये THTC ऐसा है, हमको जो सिस्टम चाहिए एक रॉड चाहिए, मतलब हमको ऐसा जानना है, मुझे एक सिस्टम चाहिए जिसमें इसका लेंथ एल हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, तो इस समय इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा। फिर के इक्विवेलेंट की बात करें तो यहां पे ये बोल दिया है आपको कि वहां पे दो रॉड है, वो दो रॉड को हटा के मुझे एक रॉड चाहिए इसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ऐसा बोल सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा बोल, हाँ, और ये भी बोल दिया आपको कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो इक्विवेलेंट यहां पे है RTH वही RTH यहां भी होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो मुझे बताइए इसके इक्विवेलेंट का कितना होगा। ये तो कोई खास बात नहीं, निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पे इसका RTH इक्विवेलेंट दोनों बराबर होगा तो कितना हो गया ये के वन ए अपॉन एल प्लस के टू ए अपॉन एल बराबर इसका कितना होगा, इसका होगा के इक्विवेलेंट ए अपॉन एल, ठीक है। दोस्तों आप दोनों साइड से ये कॉमन लेके काट दीजिए, आपको के इक्विवेलेंट कितना आ गया के वन प्लस के टू। दोस्तों जब ये बोलेगा तब ऐसा करेंगे, नहीं बोलेगा तो वो पिछला वाला ही सही है, अगर सवाल में ये बोल के आता है तो हम कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है, अगर सवाल में नहीं बोला गया है कुछ भी तो हम सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे और वैसे ही बनाएंगे जैसे इसे पहले वाला सवाल बनाया है, ओके। सो ओके फ्रेंड्स, आप इतने सवालों को देखिए और जितना बताए हैं उसको आप ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाना हो तो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं और इसको पढ़िए ताकि कल कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेंगे तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, ओके, थैंक यू।